आज हम टेस्टी टेस्टी मखाने की बर्फी बनाएंगे। इसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी लगता है। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ श्वेता और श्वेता रेसिपीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए मखाने की बर्फी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले गैस पे एक पैन या एक कढ़ाई चढ़ा लेंगे। इसमें हम मखाने डालेंगे। तो यहाँ मैंने 3 कप मखाने ले लिया है। वजन से ये 300 ग्राम है। गैस का फ्लेम हम लो रखेंगे और लो फ्लेम पे इसे हम भूनेंगे। तो इसे तब तक रोस्ट करेंगे जब तक कि इसमें अच्छा सा कड़ापन ना आ जाए, तोड़ने पर ये अच्छी तरह से टूट ना जाए। तो ये देख रहे हैं आप, इसमें कोई कोई जो है वो काला काला हिस्सा इसमें रहता है, उसे निकाल लें और इसे हम लगातार चलाते हुए भूनेंगे। थोड़ी देर में आप जब भूनेंगे तो इसमें से अच्छी सी आवाज़ें आने लगती है। तो जब आवाज़ें आने लगे तो इसे आप एक बार चेक कर लें। एक मखाने लें, इसे तोड़ कर देखें। जब ये अच्छी तरह से टूट जाए तो समझिए कि ये अच्छी तरह से भुन चुका है। तो गैस को बंद कर दें और इसे एक हम दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। इसी पैन में हम थोड़ा सा यहाँ काजू भूनेंगे। तो यहाँ मैंने 1/2 कप से थोड़ा सा कम काजू लिया है, 1/3 के लगभग। इसे भी हम रोस्ट कर लेंगे। ध्यान रखना है कि इसे हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस हल्का सा। इसका कलर जो है वो ज़्यादा डार्क नहीं होना चाहिए। लो फ्लेम पे इसे भी मैंने हल्का सा रोस्ट कर लिया है। इसे भी हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। मखान और काजू को अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे। एक मिक्सी जार ले लेंगे, इसमें हम मखाने को डालेंगे। तो मखाने यहाँ अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। तो इसे हम अच्छी तरह से पीस लेना है। देखिए मखाने को मैंने पीस लिया है। तो इसे रुक रुक कर पीसना है, एक साथ लगातार चलाते हुए न पीसे। फाइन पाउडर बनाकर मैंने इसे तैयार कर लिया है। इसी तरह का फाइन पाउडर बनाकर हम तैयार कर लेंगे। तो इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे। अब इसी जार में हम काजू भी पीस लेंगे। काजू को भी हम इसी तरह से रुक रुक कर पीसेंगे। एक बार चलाएंगे, फिर बंद करेंगे, चलाएंगे, फिर बंद करेंगे। इसी तरह से हम इसका भी फाइन पाउडर बनाकर तैयार कर लेना है। बहुत ज़्यादा इसे लगातार ना चलाएं। तो काजू को भी मैंने फाइन पाउडर बनाकर तैयार कर लिया है। अगर आपको लगे कि ये थोड़ा सा मोटा है तो इसे आप छान सकते हैं। इसे भी हम उसी बाउल में निकाल लेंगे और यहाँ मैंने 1/2 कप से थोड़ी कम नारियल का बुरादा ले लिया है। इसे भी हम इसमें डाल देंगे और सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। नारियल का बुरादा डालने से अच्छा सा टेस्ट आता है। अगर आप इसे नहीं डालना चाहते तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे का प्रोसेस हम कर लेते हैं। तो एक पैन में हम दूध लेंगे। तो यहाँ मैंने 2 कप दूध लिया है। तो ये फुल क्रीम दूध है, मैंने यहाँ पर बॉयल किया हुआ दूध लिया है। तो दूध पहले से बॉयल हो चुका है। तो इसमें हम पल डाल देंगे चीनी। तो 4 चम्मच इसमें हम चीनी डालेंगे। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना चाहते हैं तो चीनी आप थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल देंगे। अगर आप डायरेक्ट कच्चा दूध ले रहे हैं तो पहले दूध में बॉयल आने दें, उसके बाद इसमें चीनी और इलायची पाउडर डालें। तो चीनी को घुलने देंगे। चीनी घुल चुका है तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा पाउडर डालेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे। गैस का फ्लेम इस समय बिल्कुल लो कर देंगे और इसे हम लगातार चलाते रहेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना हो। तो इसमें तैयार किया हुआ मखाने की पाउडर जो हम एकदम थोड़ा थोड़ा डालेंगे, मिक्स कर लें। जब अच्छी तरह से ये लम्स खत्म हो जाए फिर इसके बाद इसमें हम बाकी के पाउडर डालेंगे। अब इसमें हम बाकी के सारे पाउडर इसमें हम डाल देंगे और अच्छी तरह से लगातार चलाते रहें। थोड़ी देर में ही आप देखेंगे कि ये एक डो जैसा बनकर तैयार हो जाता है। बहुत तेज़ी से ये गाढ़ा होने लगता है और आप देख सकते हैं कि यहाँ धीरे धीरे जो है पैन छोड़ने लगा है। तो इसे हम थोड़ा सा और पका लेंगे और ये देखिए यहाँ अच्छी तरह से ये पैन छोड़ने लगा है, ये डो जैसा बनकर तैयार हो गया है। तो गैस को बंद कर देंगे। तो अब हम एक ले लेंगे थाली। तो यहाँ मैंने थाली ले लिया है। आप बर्फी बनाने वाले भी प्लेट ले सकते हैं। थाली सबके घर में अवेलेबल होता है। तो इसे हम घी से ग्रीस कर देंगे। इसे स्पैचुला की सहायता से अच्छी तरह से फैला लेंगे।
आप मोटा पतला जैसा बनाना चाहते हैं उसी हिसाब से इसे फैला लें। अगर आप इसे ड्राई फ्रूट से गार्निश करना चाहते हैं तो इसी समय आप इसमें ड्राई फ्रूट डाल के स्पैचुला से दबा दें ताकि ड्राई फ्रूट जो है इस समय अच्छी से इसमें चिपक जाए। मैं चांदी वर्क से गार्निश करूंगी तो इसे मैं पहले अच्छी तरह से सेट होने देती हूँ। जब ये हल्का सा ठंडा हो जाए तो इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दें ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो ये हल्का सा ठंडा होने के बाद इसे मैंने आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था और आप देख सकते हैं कि ये अच्छी तरह से सेट हो चुका है। तो इसे मैं थोड़ी सा चांदी वर्क से आप गार्निश कर देती हूँ ताकि ये बाजार जैसा लगे। इसमें मैंने थोड़ा सा काजू डाला है और ये काजू कतली जैसा दिख रहा है तो मैं इसे काजू कतली का डिजाइन दे रही हूँ। तो इसी शेप में मैं इसे कट कर रही हूँ। आप जो शेप में चाहे उस शेप में इसे कट कर सकते हैं। आप इसे व्रत में भी बना सकते हैं, आपको ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। और ये देखिए कितना टेस्टी सा बर्फी बनकर तैयार हुआ है, बहुत ही सॉफ्ट बर्फी बनी है काजू कतली जैसा। अब खाने में भी ये आपको बहुत ही टेस्टी लगेगा, तो इसे आप ज़रूर बनाएं। तो सारे बर्फी को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और ये लीजिए सारे बर्फी को मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है और आप देख सकते हैं कि कितना टेस्टी बर्फी बनकर तैयार हुआ है। तो इसे आप एक बार ज़रूर बनाएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।